नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए। 18 दिसंबर को चुनाव थे और 20 को मतगणना हुई। हमने भी मतगणना की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है। अभी इस खबर में हम लाए हैं अधिकृत रिपोर्ट, अधिकृत सूची जो वसई तहसील कार्यालय ने जारी की है। वसई तहसील कार्यालय से जो सूची जारी की गई जीते हुए कैंडिडेट की, वो सूची आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वसई अंतर्गत वसई तालुका में कुल 15 ग्राम पंचायतों पर चुनाव हुए। 15 ग्राम पंचायत में 140 सीट कुल ग्राम पंचायत सदस्य की थी और 15 डायरेक्ट पद्धति से चुने जाने वाले सरपंच थे। सरपंच के लिए 46 लोग मैदान में थे। वहीं 140 में से 16 सीटों पर निर्विरोध कैंडिडेट जीते और बाकी के 124 सीटों के लिए 290 लोग मैदान में थे। उनमें से जो जो जीते उसके नाम इन लिस्ट में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो चुनाव है, ये बताऊं उससे पहले ये बताता हूं कि ये डेटा जारी किया वसई तहसील कार्यालय ने और तहसीलदार मैडम ने खुद इसको सर्टिफाई करते हुए अपना एक बयान जारी किया है। आप आगे वीडियो में वो सुनेंगे। मैं बात कर रहा था, ये जो चुनाव है वो चुनाव पार्टी वाइज नहीं होकर सदस्य वाइज होता है। लेकिन फिर भी अगर पार्टी वाइज बात करें तो यहां कुछ उलटफेर देखने को मिले हैं। एक उलटफेर देखने को मिला पांजू ग्राम पंचायत में, जहां पिछले 50 साल से जो सत्ताधारी थे उनको हार का सामना करना पड़ा और बहुजन का सागर ने वहां जीत का परचम लहराया। साथ ही साथ कलंब में भाजपा एक तरफा जीती है और रानगांव की बात करें तो रानगांव में एक संघर्ष समिति, रानगांव संघर्ष समिति है, उन्होंने जीत हासिल की है, जो कि पिछले 10 साल से वहां भाजपा की सरकार थी उसको उन्होंने वहां गिराया है। कुल मिलाकर बात करें तो करीब करीब 5 से 6 जगह पर बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना परचम लहराया है। 3 ग्राम पंचायत पर भाजपा जीती है, 1 पर जैसा अभी मैंने बताया संघर्ष समिति की जीत हुई है, कुछ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जीत हुई। इस तरह से मिलाजुला परिणाम आया। हालांकि इस परिणाम के बाद आपने वीडियो देखे, ये लोगों में खुशियां और गांव में अभी भी खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं जीतने वाले लोग अभी भी अपने जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए इस वीडियो में, आगे सुनिए तहसीलदार मैडम द्वारा कही गई बातें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपल्या तालुक्यामध्ये एकूण 15 ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका होत्या, एकूण 141 सदस्य संख्या होती आणि त्यामध्ये 16 बिनविरोध आलेले आहे। त्यानंतर उरलेल्या 124 जागांसाठी 290 उमेदवार उभे होते आणि थेट सरपंच पदासाठी 15 जागा आहेत आणि त्याच्यासाठी 46 सरपंच पदाचे उमेदवार उभे होते। आज मतमोजणी झाली आणि अतिशय शांततेत झालेली आहे मतमोजणीची प्रक्रिया। बिनविरोध 16 निवडून आले। खाडीडोली ग्रामपंचायत आहे, त्या प्रभाग क्रमांक 2 आहे, तिथे एकही अर्ज आले। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।